PFI पर 5 साल के बैन का बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान ने विरोध किया है। उनका कहना है कि PFI सियासी तौर पर नुकसान दे सकती है, शायद इसलिए ही बैन किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार को इस बात का एहसास हो कि ये हमें सियासी तौर पर नुकसान दे सकती है PFI, तो इसलिए उन्होंने इसको बैन करने का काम किया। लेकिन इस बैन करने की हम निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर किसी को अपनी बात कहने का जो जमहूरियत के दायरे अख्तियार में है सबको मौका मिलेगा, इनको भी मौका मिलना चाहिए। इधर PFI बैन पर बसपा सांसद मलूक नागर का बयान आया है, जो देश विरोधी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। BSP कभी कट्टरता का समर्थन नहीं करती, ये भी मलूक का कहना है। PFI बैन पर बसपा सांसद मलूक नागर का बयान हाजी फजलुर रहमान के बयान से अलग जान पड़ता है। हमेशा हमारी पार्टी और कुमारी बहन मायावती हमेशा कोई कट्टर मुसलमानों की बात करे तो उसके पक्षधर कभी नहीं रहे, और कट्टर कोई हिंदुओं की बात करे तो उसके पक्षधर कभी नहीं रहे। हम हमेशा देशहित और जनहित में हमेशा बोलते हैं, और इसका खामियाजा पिछले विधानसभा के चुनाव में हमें बहुत बड़ा उठाना पड़ा था, पर उसकी हमने कभी परवाह नहीं की। देश हमारे लिए सबसे पहले है, और देश में अगर कोई भी एक्टिविटी ऐसी होती है जो देश के खिलाफ जाती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बसपा के 2 सांसद 2 बयान। इधर आगरा में ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में चल रही तमाम व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी, और इसी के लिए अब ADA ने ताजमहल के आसपास के इलाके का सर्वे करवाने के लिए टीमें गठित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के आसपास के इलाके में व्यवसायिक गतिविधियों को हटाने के निर्देश दिए थे, और इसके बाद अब ADA ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। रात की नींदें गायब हैं, दिन का चैन गायब है। सुप्रीम कोर्ट का जब से ये ऑर्डर आया है कि ताजमहल से लगते हुए 500 मीटर के दायरे में कोई भी व्यवसायिक गतिविधि नहीं होगी, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्योंकि आजीविका का संकट है, उनके 2 वक्त की रोटी का संकट है कि किस तरह से पीढ़ियां दर पीढ़ियां लोग यहाँ ताजमहल के पास कारोबार करते आए हैं, लेकिन अब जब कारोबार उजड़ेगा तो क्या ऑप्शन है, कैसे उनके घर का कहा जाए घर 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 चलेगा, ये सवाल लगातार लोगों के मन में है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, इस समय में बिल्कुल कहा जाए दक्षिणी गेट पर मौजूद हूँ, यहाँ से एग्जिट है लेकिन एंट्री नहीं है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, तायरुद्दीन जी हैं, आप बताइए, आप लगातार कई पीढ़ियों से यहाँ आप कारोबार करते आए हैं, तो अब क्या लग रहा है, जब से ये आपने सुना है ये ऑर्डर कि अब हमारा कारोबार शिफ्ट होगा, बंद होगा, क्या होगा आपको नहीं पता है, तो क्या मन में चल रहा है? मन में ये चल रहा है कि ना हो तो अच्छा है, और फिर रातों की नींद दिन का चैन तो आपने कह दिया हराम हो ही चुका है, रोटी हमारी जा ही रही है। बहरहाल ये जो याचिका दाखिल की गई है ना, ये इसको देखा जाए ढंग के तरीके से तो ये गलत याचिका करने वाले का लगती है, क्योंकि ये 500 मीटर के दायरे में ख़ास तौर से साउथ गेट से आप 500 मीटर देखेंगे तो कम से कम 5000 व्यवसाय होंगे। पहले जो है शोरूम वालों को बंद करने की बात हो रही है, फिर होटल बंद करने वालों की बात हो रही है, फिर जाके वेबसाइट, फिर घरों के अंदर बंद करने की बात होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका जो दाखिल की गई है वो प्री प्लान याचिका दाखिल की गई है। बहुत बिल्कुल तुगलकी फरमान है हम लोगों के लिए, हम लोगों के सारे व्यापार हैं और सब डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, तो बताइए आप हमारे बच्चे कैसे, पालन पोषण कैसे होगा, खाएंगे पिएंगे कैसे, फिर कुछ दिन बाद ये लोग बोलेंगे अपने घर खाली करके चले जाओ। तो ये बिल्कुल हम लोग इसको नहीं मानते, और इसके लिए हम आगे कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट से जो भी हमें राहत मिलेगी उसके लिए प्रयास जरूर करेंगे। कई सारे लोग लगातार इसको इस फैसले के बाद बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, और उनको लग रहा है कि आखिर क्या करना चाहिए, तमाम विधिक परामर्श लिए जा रहे हैं, और ऐसे में जो तमाम जो कारोबारी हैं वो एकजुट हो रहे हैं, और उनका ये कहना है कि हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे, ताकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ की वस्तुस्थिति को समझे, और कहीं ना कहीं एक तरफा ये फैसला दिया गया है, बात नहीं सुनी गई है, मैं पहले वो ज़मीनी हकीकत को वो समझे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे। इसको लेकर तमाम जो यहाँ के कारोबारी हैं वो एकजुट हो रहे हैं, और एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जल्द दाखिल करने वाले हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP। नितिन उपाध्याय की आगरा से आ रही इस रिपोर्ट के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।